गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सुबह के तो बज रहे हैं 10, आई थिंक सो 10:30 हो रहे हैं, पर मेरे तो 12 बजे हुए 2-3 दिन से। मेरे को ना एक तो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद मेरे को कोल्ड हो गया, कफ हो गया, सारा कुछ इकट्ठा ही, मतलब इसको बोलते हैं ना फीवर, ये सब स्यापे इकट्ठे ना। और मौसम भी काइंड ऑफ चेंज ही हो रहा है, अब देख ही सकते हो। पर जैसा मौसम आज दिख रहा है, 3-4-5 दिन से ये मौसम ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। एकदम गंदे वाली बारिश हो रही थी, आज ही धूप निकली है और आज ही मैं घर से निकला। 2-3 दिन से मैं अभी घर से नहीं निकल रहा हूँ, क्योंकि हालत कुछ खास नहीं थी और ब्लॉग बनाने वाली हालत भी नहीं थी। ये तो थोड़ा सा ठीक हुआ तो मैं चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं। सैटरडे है तो सुबह फटाफट उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करके और रूम की क्लिनिंग वगैरह की थोड़ी सी, जैसा कि आपने देखा। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम, तो फिर मैं सोचा आज आपको जिम भी लेके चलते हैं। और आपका क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब मस्त, बिंदास। और व्लॉग्स को आगे शेयर करो यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। और आपको एक और चीज़ बतानी है मेरे को, मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल अंदर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत हवा चल रही है। अभी इतनी अच्छी धूप खिली थी और मरी ये हवा फिर आ गई, तो मैं कैमरा रखता हूँ, आपसे मिलता हूँ जिम में। आज जिम में लगता है 4-5 ही लोग आए हैं, ज़्यादा नहीं आए, तो मैं चेंज कर लूँ, उसके बाद चलते हैं वर्कआउट करने। मुश्किल से जिम हुआ यार आज, थोड़ा ना वो एक तो वो भी है ना तबीयत, मतलब अभी ठीक ठीक ही हुई है, तो मैं सोचा फिर जिम भी कर ही आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर जिम हुआ भी और नहीं भी हुआ, ऐसे ऐसा हुआ ना, लाइक सो हुआ भी नहीं और हो ही गया, मतलब इतना मैंने करना था कर ही दिया। एक तरह से बाद में अच्छा ही लगता है ना कि हाँ चलो एटलीस्ट कुछ तो किया, बीमारों की तरह करना पड़ेगा। आई डोंट लाइक इट,
तभी मैं सोच रहा था कि मैं ऑरेंजेस ले लूँ, संतरे। तभी मैं जा रहा हूँ रेनक मार्केट, आपको दिखाता है। यहाँ पे सारे फ्रूट्स वगैरह, वेजीज ये सब फ्रेश मिलती हैं। और दूसरी तावरियाँ वगैरह वो होती है ना, वहाँ पे मिलती है, पर यहाँ पे थोड़ी फ्रेश सी होती है। मतलब जैसे होता है ना बाजार, समझ लो सब्जी बाजार टाइप वैसा, यहाँ फ्रेश सब्जियाँ आती हैं। तो मैं चलता हूँ अंदर, दिखाता हूँ। कैमरा शाय वाली बात नहीं है, पर वही है ना, एक तो मेरा गला ख़राब है और मुझे थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा, नाक भी बंद, तो फिर लोग थोड़ा मुड़ मुड़ के देखेंगे ऐसे। फिर मैं बोलूँगा मुड़ मुड़ की ना देख, मुड़ मुड़ की। तो मैंने ले ली ये किलो संतरे पहले, तो अभी ये लेके मैं घर जाता हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। सही बिचिंग करेंगे। बाकी आज सुबह देख के तो, धूप देख के तो लगा, मैंने पहले सोचा था मैं संतरे लेके धूप में बैठूंगा मस्त, जैसे इंडिया में खाते हैं, बट अप्रैल का एंड हो रहा है और स्टिल अभी भी इतनी ठंडी है। ठंडी ज़्यादा क्यों लगेगी, क्योंकि मैं बीमार भी हूँ, तो उससे मेरे को और ठंडी लगेगी। पर एज़ यूजल मेरे हाथे लग भी पीड़ा, मेरा हाथ लगने लगा। मैं ना घर जाता हूँ ना, फिर आपसे मिलता हूँ। अभी तो जिम से आने के बाद मैंने थोड़ा सा ऑरेंज खाया, थोड़ा बैठा, फिर मैंने आपसे बात कर लेता हूँ। तो जो लास्ट व्लॉग आया था ना, उसके बाद मेरे को ना मेरे पर्सनल अकाउंट पे, जो मेरा स्टूडियो है यूट्यूब स्टूडियो, उस पर ना मेरे को नोटिफिकेशन आई, ठीक है। तो तब मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, उसके बाद फिर मैंने ना वो नोटिफिकेशन खोली, फिर मैंने देखा अंदर, तो किसी मार्शे ने फेक अकाउंट बना के और उसमें बड़े सुंदर सुंदर कमेंट किए हुए थे, मतलब बड़े ही सुंदर। तो सोचो इतने सुंदर कमेंट थे कि वो पहले पब्लिक को शो नहीं होएगी, वो पहले मेरे पास आएंगे स्पेशली कि भाई कुछ स्पेशल कमेंट आया है आपको, बहुत सुंदर लिखा है, जिसमें बहुत अच्छा अच्छा आपके बारे में लिखा है, तो आपको वो पब्लिक करना है कि आपको डिलीट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है या ब्लॉक करना है। सरकाजम मार रहा हूँ, इतना भी अच्छा नहीं था। हाँ, तो एक के बाद तो आई वॉज लाइक कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं अब। कैसा लगा मेरा मजाक? आपसे शेयर करनी थी कि ऐसे ऐसे सुर में है, अभी 100 सब्सक्राइबर नहीं पार हुए और अभी सुर में पैदा हो गए हैं। 100 सब्सक्राइबर में चुतड़ा आग लगी, अभी हाई बू क्या कमेंट कर दिया, चला हाई बू रोंगा, इसी बुरा लगा, सब बुरा लगना। जब तो मैं पढ़ता हूँ और फिर लंच भी करूँगा थोड़ी देर में, तो मिलता हूँ आपसे भी बीच बीच में अगर मेरा मन हुआ तो। तब तक के लिए मेरे पुराने ब्लॉग्स देख लेना। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं, आई थिंक 6:30 हो रहे हैं शायद, और दिन देखो अभी धीरे धीरे देखना, पूरे जब पीक समर आते हैं ना तो यूक्रेन में आई थिंक 8:30-9 बजे तक अंधेरा होता है। झूठ बोल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा,
अगर मैं रहा और मैं व्लॉगिंग करता रहा और मैं यहाँ पे गर्मी तक तो रहूँगा, तब तक तो मैं फिर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखा ही दूंगा कि 9 बजे तक, 8:30 बजे तक तो अंधेरा होने शुरू होता है। आपसे वही बातें की मैंने, उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग भी की, और फिर उसके बाद फिर मेरा मन था भी नहीं भी 50-50% था मैं बाहर जाऊँ नहीं जाऊँ। फिर उसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ, फिर वही मैंने फ्रेंड को कॉल आया, मैंने फिर पूछा क्या सीन है ये वो, फिर बोलती कि चल बाहर तो क्या ही जाएंगे, वो भी मतलब सो बीमारी है, इतनी नहीं है बट फिर बीच सभी थोड़े थोड़े हो रखे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। फिर बोलती घर आ जा, थोड़ी बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, कुछ गॉसिप। तभी मैं उसी घर जा रहा हूँ, जा के मतलब पहुँच ही गया। अब देखो पहले कभी मैं यहाँ आता था तो यहाँ पे एकदम बंजर, याद हो आपको तो यही देख के ना बड़ा वो लगता है कि अरे इतना ग्रीन, आंखों में बड़ा चुभता है ऐसे कि अरे इतना ग्रीन। लिटरली यहाँ पे कोई मतलब पीछे देखो, यहाँ पे था कोई पेड़, इतने ज़्यादा हरे भरे पेड़। गर्मियाँ अच्छी हैं यहाँ पे यूक्रेन की ना, बट वही ना इतनी ठंड के बाद ना यहाँ की गर्मियाँ भी नहीं झेली जाती, बहुत बुरा हाल होता है। होता था 30-35 डिग्रीज ही है बट वही यहाँ का मैक्सिमम है, और उसी में हो जाता है काम तमाम। अभी मैं पहुँच गया, अभी अंदर वाला गेट खोल के फिर अगर मेरे से ब्लॉगिंग की हिम्मत हुई या कुछ हुआ बीच में मन किया तो मैं ब्लॉगिंग कर लूँगा, आपसे मिल लूँगा, अदरवाइज नहीं मिलूँगा। देखते जैसा भी होएगा। 2000 years later. तो दोस्तों अभी मैं उसके घर से वापस आ गया, बातें करते हुए रह गया, तो मैंने व्लॉग बनाया नहीं, हम कुछ अपनी मस्ती कर रहे थे, तो फिर मैंने वहाँ व्लॉग इतना कुछ मैंने कैमरा ओपन ही नहीं किया, वाज लाइक हम जस्ट अपना ही चिल कर रहे थे, तो हम लाइक क्यों फालतू में यू नो समटाइम्स। तो अभी फिलहाल बाहर गाने वाने चल रहे हैं, आज थोड़ा वीकेंड का माहौल है, इंजॉय कर रहे हैं। अभी आए फ्रेंड्स आए हुए घर पर, तो बस मैं भी कैमरा रख के उन्हीं के पास जाता हूँ। तब तक के लिए आप क्या करो, इस व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना है। और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो जाके मेरे पुराने व्लॉग्स देखो, और ये वाला व्लॉग भी आपने देख ही लिया होगा, और जो पार्ट स्किप किया उसको दोबारा बैक करके देखो जाके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए स्टे सेफ, लव यू ऑल, बाय।